Assalamualaikum dear friends, welcome to our channel The Knowledge Place 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कैनेडी ल्यूगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी यस प्रोग्राम 2024 एंड 2025। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की एजुकेशनल एंड स्कॉलरशिप अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आप इस स्कॉलरशिप की मुकम्मल तौर पर तैयारी करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि किस तरह से इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, तो दोस्तों आपको हम इंशाल्लाह ए टू जेड कम्प्लीटली गाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको स्कॉलरशिप की बेसिक डिटेल्स मिलेगी और आपको बताया जाएगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पर देखिए, इनका फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो एज है ना, 15 से 17 साल होनी चाहिए। यानी कि ये जो डेट्स बताई है इन्होंने, 15 अगस्त 2007 टू 15 अगस्त 2009 आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके बाद इनका जो सेकेंड क्राइटेरिया है वो ये है कि आप पाकिस्तानी स्कूल में करंटली 9th या 10th में इनरोल्ड हों। इसके बाद इनका जो थर्ड क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी जो कोर या मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, इसमें आपके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पर जिनका भी गैप है, यानी जो रिपीटेड कैंडिडेट्स हैं, रिपीटेड कैंडिडेट्स, वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है, यकीन करें फुली फंडेड है। आपको यूएसए में पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है, इंशाल्लाह। आपको यूएस का कल्चर एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। डिफरेंट आपको वहाँ पर लोग मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से लोग आएंगे। वहाँ पर आपको जो होस्ट फैमिलीज मिलेंगी ना, वहाँ पर बहुत ही कोऑपरेटिव होंगी। अब यहाँ पर देखें, एक और क्रिएट एरिया है, वो ये है कि आपको कम्युनिकेट करना आता हो, वो भी इंग्लिश में। अब जैसा कि आपको पता है कि ये यूएस का प्रोग्राम है, तो आपको यहाँ पर होस्ट फैमिलीज मिलेंगी ना, वो सारी इंग्लिश मीडियम्स होंगी, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आता हो लाजमी, सही है। इसके बाद एक और इनका क्राइटेरिया है, वो ये है कि आप जो है ना, वो उनका J1 वीज़ा का क्राइटेरिया है, वो आप मीट करते हो। जैसा कि यूएस का जो सिटीज़न है उनके लिए J1 वीज़ा नहीं होता। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप J1 वीज़ा के क्राइटेरिया से मीट करते हैं। और आप जो हैं करंटली पाकिस्तान में रिहाइश पज़ीर हों, आपके पास डुअल नेशनलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जी, ये हमारा फेसबुक का पेज है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पेज में भी आपको इंशाल्लाह एजुकेशनल अपडेट्स एंड स्कॉलरशिप अपडेट्स मिलती रहेंगी। और अगर आप इस स्कॉलरशिप की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक है जी। बाय द वे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि यस प्रोग्राम के हवाले से मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा वो इसी चैनल पर अपलोड करता रहूंगा और आपको अपडेट्स इंशाल्लाह देता रहूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अस्सलामुअलैकुम।